टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एस के हेलो दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्टी वन के एम सी क्यू क्वेश्चन फ्राम क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड वन टू क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है फोर हंड्रेड वन नंबर का फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं आपके पास ऑप्शन हैं ए लुइस पाश्चर बी एरिस्टोटल सी ऑपरिन और डी है हेल्डन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एरिस्टोटल एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड टू है लाइफ ऑरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करती है कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली ऑरिजिनेट हुआ है नॉन लिविंग मैटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए स्पेशल क्रिएशन बी स्पॉन्टेनियस जनरेशन सी केमिकल इवोल्यूशन एंड डी इज बी एंड सी बोथ और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ दोनों ही थ्योरी में ये कहा गया है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्पॉन्टेनियसली ही जनरेट हुई है तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड थ्री की तरफ ये हैव हु डिसप्रूव्स द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियसली जनरेशन इनमें से वो कौन है जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया आपके पास ऑप्शन हैं ए एरिस्टोटल बी लुइस पाश्चर सी ऑपरिन और डी है हेल्डिन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस पाश्चर लुइस पाश्चर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था और ये थ्योरी प्रपोज की थी एरिस्टोटल ने आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर फोर की बात हूज हाइपोथेसिस इज लाइफ बिगट्स लाइफ किसने कहा है कि लाइफ ही लाइफ को उत्पन्न करती है आपके पास यहाँ आप पर ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल बी लुइस पास्चर सी ऑपरिन और डी है हेल्डन और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लुइस पास्चर जब लुइस पास्चर ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया था तब उन्होंने यह हाइपोथेसिस बनाई थी कि लाइफ ही लाइफ को उत्पन्न करती है क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड फाइव हु सेड लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस पास्चर और लुइस पास्चर की तीन बातें हमने यहाँ पर तीन क्वेश्चन में देख लिया एक चीज और बता देते हैं कि लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो व्यक्ति दर्द के कारण नहीं मरता है बल्कि वो इन्फेक्शन के कारण मर जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका कहना था कि अगर आप बैक्टीरिया का जो जो बैक्टीरिया के पनपने का जो प्रोसेस है उसको अगर आप बंद कर देते हो उसको रोक देते हो तो किसी भी चोट को आप काफ़ी हद तक बहुत पहले ही ठीक कर पाओगे एक और चीज़ की लूइस पास्टर ने ही रेविस के वैक्सीन की भी खोज की थी तो ये तो थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपने लूइस के बारे में जाना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ ये क्वेश्चन है हु वर्क ऑन केमिकल इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन पे किसने काम किया है आपको बताना है आपके पास ऑप्शंस हैं ए ऑपरिन बी हेल्डन सी बोथ और डी है नोन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ ऑपरिन की बात करें तो ऑपरिन एक सोवियत बायोकेमिस्ट थे वहीं पर हेल्डन एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे दोनों चीजों को आपको याद रखना है ऑपरिन कौन थे वो एक सोवियत बायोकेमिस्ट थे वहीं पर हेल्डन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे क्वेश्चन नंबर फोर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सी होती हैं आपको बताना है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं ए फैट बी प्रोटीन सी अमीनो एसिड्स एंड डी इज कार्बन डाइऑक्स का कार्बोहाइड्रेट्स और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन protein. प्रोटीन्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं बात कर लेते हैं अमीनो एसिड्स की तो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों में डिफरेंस है ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड एट है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट फ्रॉम द सन हेल्प्स टू सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होती है और सन की जो लाइट आती है उससे सिंथेसिस किया जाता है आपको अब वो प्रोडक्ट बनाना है बताना है जो प्रोडक्ट सिंथेसिस किया जाता है प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं ए फैट बी प्रोटीन सी अमीनो एसिड्स एंड डी इज़ कार्बोहाइड्रेट और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सुगर और स्टार्च बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड नाइन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है शुरू किया गया है ये आपको बताना है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं ए साइनोबैक्टीरिया बी एलगी सी फंगी और डी है प्रोटोजोन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड टेन की तरफ ये है प्रिमिटिव अर्थ एटमोसफेयर वॉज डिवॉइड ऑफ प्रिमिटिव जो अर्थ का एटमोसफेयर था वो डिवॉइड था किस चीज़ से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं ए फ्री ऑक्सीजन बी मीथेन सी अमोनिया एंड डी इज सीओ टू और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्री ऑक्सीजन प्रीमिटिव अर्थ एटमोसफेयर में फ्री ऑक्सीजन डिवॉइड था वहीं पर बात करें कि फ्री ऑक्स प्रीमिटिव अर्थ एटमोसफेयर में क्या क्या चीज़ें थी तो उसमें थी मीथेन, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्वेश्चन नंबर है फोर हंड्रेड एंड इलेवन ओजोन लेयर इज ऑन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस से ओजोन लेयर किस हाइट पर है ये बात करें अगर ये अर्थ का सरफेस है तो अब आपको बताना है कि ओजोन लेयर जो है है ये कितने हाइट पर प्रेजेंट आपके पास ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एंड डी इज थर्टीन किलोमीटर और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड ट्वेल्व की तरफ हुज एक्सपेरिमेंट सपोर्ट ऑपरिन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आपको बताना है यहाँ पर कि किसकी एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया ऑपरिन हेल्डन की थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए स्टैनली मिलर बी लुइस पास सी एरिस्टोटल एंड डी इज ऑपरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैनली मिलर आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन नंबर 413 ये क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सबसे पहला जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था वो किस में था आपके पास यहाँ आप पर ऑप्शन हैं ए प्रोटेस्टा बी मोनेरा सी फंगी और डी करेक्ट जो है वो प्लांट है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मोनेरा मोनेरा माना जाता है कि ये टू बिलियन ईयर्स पहले इसकी बिगनिंग हुई थी और वहीं पर अगर आप बात करें प्रोटेस्टा की तो इसे माना जाता है 1.5 बिलियन ईयर्स पहले तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है आपको पता है कि मोनेरा की बात हमने यहाँ पर कर ली कि ये टू बिलियन ईयर्स पहले था और वहीं पर जो प्रोटेस्टा है वो वन बिलियन ईयर्स पहले था तो जो मोस्ट प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था वो कंसिस्ट था मोनेरा के अंदर क्वेश्चन नंबर 414 एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टाइप्स कितने टाइप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ये आपको बताना है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो होते हैं एक होते हैं वर्टिब्रेट्स दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेड्स आगे है क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड फिफ्टीन आउट ऑफ दीज विच इज नॉट इन्वर्टिब्रेड्स इनमें से कौन है जो इनवर्टिब्रेट नहीं है इनवर्टिब्रेट का मतलब वो होता है वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं होता है वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है उन ऑर्गेनिज्म को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इन में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इनवर्टिब्रेट्स नहीं है और इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके पास ए लिजर्ट बी मॉस्किटो सी अर्थवॉम एंड डी इज स्टारफिश और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिजर्ट जो लिजर्ट है वो वर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और एक और चीज़ कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो ऑप्शन में जो कर जो ऑप्शंस जो दे रखे हैं मॉस्किटो अर्थ वॉर्म स्टार फेस और इंसेक्ट ये सभी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ ये क्वेश्चन है एनिमल्स विच पोजेस बैकबोन जो एनिमल के पास बैकबोन होता है उसे हम क्या कहते हैं आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन भीट्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन की तरफ ये है फर्स्ट सेल वॉज लैकिंग इन फर्स्ट जो सेल था उसके अंदर क्या चीज नहीं थी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस जो फर्स्ट सेल था उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड एटीन है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं उन प्लांट्स को किस क्राइटेरिया में किस कैटेगरी में रखा गया है यह आपको बताना है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हैं एंजियोस्पॉम बी जिम्नोस्पॉम्स सी बोथ और डी है नॉन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नोस्पॉम्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड नाइन्टीन की तरफ ये है पेंसिलिन एंड सेप्ट्रोमाइसिन आर मेड अप ऑफ पेंसिलिन और सेप्ट्रोमाइसिलिन दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं अब आपको बताना है कि ये किस चीज़ से बने होते हैं आपके पास यहाँ आप पर ऑप्शन हैं ए फंगी बी प्लांट सी प्रोटेस्टा एंड डी इज मोनेरा और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फंगी पेंसिलिन और सेप्ट्रोमाइटसिन ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगी से बनाए जाते हैं आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें पिगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये चीज़ आपने प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ ली है तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होती है वो ऐसी पिगमेंट है जो रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस के लिए तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड वन टू तो क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी देखा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चन देखते रहेंगे तब तक लिस्टेट्यून जय हिंद जय भारत